Hello everyone, I am Giraj Yadav. Welcome to Pine Institute. Here is an important question from 5th unit, okay? 5.2 and question number 9. So question is, if the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8, okay? The third term hai, wo to hai 4, okay? Ninth term hai, wo hai 9, minus 8 respectively, okay? Which term of this AP is 0? तो ये बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म जीरो है. ओके, सो लेट्स बिगिन. वी नो, अपने को पता है कि nth टर्म होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इन टू डी. अब देखो क्वेश्चन में थर्ड टर्म गिवन है, कितनी है थर्ड टर्म, फोर है. तो लिखा मैंने a3 इज इक्वल टू 4. नाइन्थ टर्म गिवन है माइनस 8, तो मैंने एक साइड में लिखा a9 इज इक्वल टू माइनस 8. ओके, नाउ a3 का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, वो का ये कहाँ से आए, इस वाले से, इज इक्वल टू 4. और a9 a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8. Now, this is equation first and this is equation second. तो d की value निकलेगी पहले, d की value कैसे निकलेगी, subtract equation first from equation second. Equation second में से equation first को subtract कर देंगे, देखो कैसे करेंगे, a plus 8d is equal to minus 8. ओके, एंड a प्लस 2d इज इक्वल टू 4. सबट्रैक्ट मींस साइन चेंज. देखो प्लस a माइनस a गेट कैंसिल्ड, 8d माइनस 2d 6d एंड माइनस 8 माइनस 4 व्हिच इज माइनस 12. सो d इज इक्वल टू माइनस 12 ओवर 6. सो d इज इक्वल टू 6 टू जा 12, माइनस 2 आ जाएगा. d की वैल्यू क्या आई, माइनस 2. अब d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स कर सकते हैं. कैसे फाइंड कर सकते हैं, d की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में. ओके, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट d इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन फर्स्ट. ओके, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं चलो. सो a प्लस 2 इन टू d, d की वैल्यू क्या है, माइनस 2 विच इज इक्वल टू 4. तो ये क्या आ गया, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 आएगा, 2 टू 4 इज इक्वल टू 4. सो a इज इक्वल टू 4 प्लस 4, इस माइनस 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे प्लस का हो जाएगा. सो a इज इक्वल टू 8. ओके, तो a की वैल्यू आ गई और d की वैल्यू भी आ गई. अपने को क्या बताना है कि विच टर्म ऑफ दिस ap इज 0, कि इस ap की कौन सी टर्म है जो 0 है. ओके, तो उसको फाइंड करने के लिए लेट कर लेते अपन, मान लेते हैं लेट the nth term of this AP is 0. ओके, क्या लेट किया कि इस AP की nth term है वो 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, nth term, an हो गया nth term और वो 0 है. चलो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू 0. ए की और डी की वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 8, डी की वैल्यू माइनस 2. ए की वैल्यू 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 8 को ट्रांसफर कर दिया राइट हैंड साइड में, तो एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 8. ओके, सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 8. यहाँ देखो ये माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है एन माइनस 1 से, उधर किस में जाएगा, डिवाइड में. तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 4 जा 8. सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 4. सो एन इज इक्वल टू 4, इस 1 को उधर ट्रांसफर किया तो 4 प्लस 1 प्लस का हो गया, तो n इज इक्वल टू 5. इसका मतलब है कि इस AP की जो फिफ्थ टर्म है वो 0 है. ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल राइट हियर, एंड इफ यू वांट टू वॉच मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सो क्लिक हियर. थैंक यू वेरी मच.